बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग चैप्टर फोर जनरल साइंस एम क्लास। चैप्टर इज अबाउट एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स वर डिस्कस्ड। टुडे वी आर टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। That how do human beings change environment or habitats? How are they affected by human beings? Habitats, जैसे कि आपको मालूम है कि these are those places where organisms can live freely and reproduce there. ऐसी जगह जहाँ पे organisms freely रह सकें और reproduction कर सकें, these are habitats. और habitats को human activities कैसे अफेक्ट करती हैं, हैबिटेट्स कैसे चेंज होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, इसको हम आज स्टडी करेंगे। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस लेसन्स यू कैन आस्क। ओके, आपको बताया गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, दे चेंज हैबिटेट्स। कि व्हेन हैबिटेट्स चेंज, सम ऑर्गेनिज्म्स डाई एंड सम आर देयर व्हिच लीव द हैबिटेट। जब हैबिटेट चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म्स या तो मर जाते हैं या फिर हैबिटेट को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, हैबिटेट यानी चेंज कर लेते हैं। फार्मिंग का बताया कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन सर्वाइवल। फार्मिंग, खेती बाड़ी जो है इंसानों की एक अहम जरूरत है। पीपल के दे क्लियर फॉर रेस्ट टू गेट लैंड फॉर फार्मिंग। तो इस पर्पस के लिए लोग क्या करते हैं कि जंगलात को जो है वो साफ कर देते हैं, जंगलात की कटाई कर देते हैं ताकि जमीन को खाली किया जाए फार्मिंग के लिए। इसके अलावा लोग जंगलात की जो कटाई करते हैं, दे डू इट फॉर ऑब्टेनिंग वुड एंड पेपर, ठीक है, पेपर बनाने के लिए या लकड़ी हासिल करने के लिए। ये वो जरूरियात हैं जिनकी खातिर इंसान जंगलात की कटाई कर देता है। इन दिस वे क्या होता है कि जो हैबिटेट्स हैं, नेचुरल हैबिटेट्स ऑर्गेनिजम्स के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई प्लांट्स और कई एनिमल्स जो हैं ऐसे हैं कि हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनकी और वो सरवाइव नहीं कर पाते। एक तो ये चीज आपको बताई गई है, क्लीयरिंग लैंड्स फॉर कल्टीवेशन और फॉर फार्मिंग। दूसरा पोल्यूशन का फैक्टर है, इसका सोर्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। दैट्स अनदर एजेंट दैट ब्रिंग्स द चेंजेस इन हैबिटेट्स, जो हैबिटेट्स को चेंज कर देता है। पोल्यूशन लैंड को, वाटर को या एयर को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, कोई बच्चा पोल्यूशन को डिफाइन करेगा, व्हाट इज पोल्यूशन? तो मुझे पता है। यस बेटे, बोले डिफाइन करें पोल्यूशन। Harmful to people, animal and plant. No, it's harmful. What is pollution? Define it. Mansoor define karega. Air pollution effect. बड़े पोल्यूशन कहते हैं कंटेमिनेशन ऑफ एनीथिंग विद अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ड्यू टू विच इट बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। किसी भी चीज के अंदर मिलावट हो जाना, कंटेमिनेशन, मिक्सिंग हो जाना अनडिजायरेबल चीजों की, ठीक है, नापसंदीदा चीजों के का मिक्स हो जाना, जिसकी वजह से कि वो इस्तेमाल के काबिल ना रहे, तो इसे पोल्यूशन कहते हैं। तो बताया कि पोल्यूशन एक और एजेंट है जो कि हैबिटेट्स के अंदर चेंजेस पैदा करता है। पोल्यूशन हार्म्स द लैंड
वाटर और एयर, ठीक है, जमीन हो, सॉइल पोल्यूशन होगी, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन की टाइप्स हैं आगे कि अगर वाटर इफेक्ट हुआ है, वाटर की कंटेमिनेशन है तो हम उसको वाटर पोल्यूशन कहेंगे, एटमॉस्फेयर की हुई है तो एयर पोल्यूशन है, जमीन की हुई है तो हम उसे सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन इज हार्मफुल टू पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स, हम इंसान हों, जानवर हों या पौधे हों, पोल्यूशन सबके लिए नुकसानदेह है। इट डिस्ट्रॉयज मैनी हैबिटेट्स, ठीक है, बहुत से जो हैबिटेट्स हैं वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लैंड पोल्यूशन इफेक्ट करती है लैंड को, डिस्ट्रॉइंग लाइफ, ठीक है, जिससे लाइफ की डिस्ट्रक्शन होती है, द एनवायरमेंट एंड इट्स हैबिटेट्स, एनवायरमेंट इफेक्ट होता है, हैबिटेट्स जो ऑर्गेनिजम्स के हैं वो अफेक्ट होते हैं। एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स द एयर वी ब्रीद इन, अगर हवा की पोल्यूशन हो जाती है तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो अफेक्ट होगी। नाउ फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स दे आर द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एज दे आर एडिंग पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट, पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पोल्यूशन का सबब बनते हैं, पॉइजनस गैसेस वगैरह जिसमें शामिल हैं। एयर पोल्यूशन डैमेजेज अवर हेल्थ एंड अवर एनवायरमेंट, जिसका इफेक्ट बताया गया कि हवा जब पोल्यूटेड हो जाती है इससे हमारी सेहत मुतासर होती है, हमारा एनवायरमेंट जो है वो उससे डैमेज होता है, यानी हमारी सेहत का भी नुकसान है इसमें और हमारे एनवायरमेंट का भी नुकसान होता है पोल्यूटेड एयर से। आपको प्लेसेस बताई गई हैं पोल्यूशन से अफेक्टेड जो है, जैसे वाटर पोल्यूशन डिस्ट्रॉयज वाटर हैबिटेट्स, अब देखें ये पानी का जो सोर्स था रिजर्वायर है तो पानी के अंदर ये डिफरेंट पोल्यूटेंट्स जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं। इधर लिटर की बात की, लिटर किल्स प्लांट्स एंड कॉजेस एनिमल्स टू गेट सिक और डाई। लिटर, लिटर बेटा ये जो दरख्तों के पत्ते वगैरह जो इस किस्म का जो होता है कूड़ा करकट वगैरह जो इकट्ठा होता है इसको लिटर कहा जाता है। इधर आपको एयर पोल्यूशन के हवाले से बताया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन से आगे क्या इफेक्ट्स होते हैं, इट कॉजेज एसिड रेन, हवा के अंदर कुछ गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड वगैरह शामिल हो जाती हैं तो ये बारिश के पानी के साथ मिलकर एसिड्स प्रोड्यूस करती हैं, और वो जो एसिड्स हैं जब बारिश में शामिल हो जाएं तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन जो है इसका पानी पॉन्ड्स के अंदर जाता है या लेक्स में जाता है तो वहाँ के हैबिटेट्स जो हैं इससे डिस्ट्रॉय होते हैं, वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो इससे इफेक्ट होती है। इसके अलावा एसिड रेन जो है ये बिल्डिंग्स को और प्लांट्स को भी अफेक्ट करती है, प्लांट लीव्स जो हैं वो इससे डैमेज हो जाते हैं। फॉरेस्ट क्लीन द एयर, वी नीड फॉरेस्ट टू हेल्प कीप द एयर क्लीन, यहाँ पे आपको पोल्यूशन नहीं शो की बल्कि ये आपको फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस के लिए शो किया है कि ये पौधे इस कदर मौजूद होने चाहिए, जब प्लांट्स मौजूद हों तो ये हवा को साफ करते हैं, कैसे, देखो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ये अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो हमें साफ हवा के लिए पौधे बहुत जरूरी है। अब आपको बताया जा रहा है एक्टिविटीज का कि हाउ टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स, कि हम हैबिटेट्स को कैसे बचा सकते हैं। एवरीवन कैन प्रोटेक्ट हैबिटेट्स बाय यूजिंग दीज बाय सेविंग द रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं अगर हम उनको बचाने की कोशिश करें हम हैबिटेट्स को बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 टेक्निक्स बताई गई हैं, रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल, इसको 3R भी बोला जाता है, 3R मीन R से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स हैं, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रीसाइकलिंग, ये बताया कि 3 वेज हैं विच आर यूज टू सेव द रिसोर्सेज एंड इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर इकोसिस्टम। अब इनकी टर्म्स की एक्सप्लेनेशन देखें, पहला है रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब है कि वी शुड कट डाउन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज को हम जहाँ जहाँ इस्तेमाल करते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम से कम यूज हो सके, ठीक है, रिसोर्सेज का यूज जितना कम से कम हो सके ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। उसके बाद है रीयूज, रीयूज का मतलब क्या है, नॉट टू थ्रो अवे द थिंग्स दैट कैन बी यूज अगेन, ऐसी चीज जिसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोबारा इस्तेमाल के काबिल है
उसको ऐसे नहीं थ्रो कर देना चाहिए बल्कि दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। रिसाइकल मीन्स न्यू थिंग्स को बनाना, नई चीजें बनाना फ्रॉम द यूज्ड मटेरियल। यूज्ड जो हैं, जो ब्रेक हो जाती हैं, ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स जो कि अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे, उनसे दोबारा नई चीजें बनाना, तो ये है रिसाइकल। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये थ्री टेक्निक्स ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने हैबिटेट्स के डिस्ट्रक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, रिसोर्सेस को बचा सकते हैं। ये इफेक्ट्स ऑफ सॉइल्स ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जो है, इसके लिए एक एक्टिविटी आपको दी हुई है कि आपने 3 प्लास्टिक कप्स लेने हैं, गार्डन ऑयल और गार्डन सॉइल है, और उसके बाद क्या है, 24 वाटरमेलन सीड्स हैं, नॉर्मल वाटर लिया है, और नॉर्मल वाटर भी लिया, सॉल्टी वाटर भी लिया है, और वेरी सॉल्टी वाटर, ये पानी के 3 ग्रेड्स लिए। एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा बेटा, मेक होल्स इन द बॉटम ऑफ प्लास्टिक कप्स विद अ नेल। हाँ जी सर, जो एयर पोल्यूशन होती है, एसिड ड्रेन कॉज होती है ना उससे? हाँ जी, एसिड ड्रेन हो सकती है। एसिड ड्रेन होती है, और एसिड ड्रेन के अलावा हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ब्रीदिंग का जो सिस्टम है, ये भी उससे इफेक्ट होता है। यस सर। अच्छा, वाटर के 3 ग्रेड्स आपको बताया गया, नॉर्मल वाटर लें, सॉल्टी वाटर लें, और वेरी सॉल्टी, यानी जैसे बहुत ज्यादा सॉल्ट्स हैं वो ले लें। आपने प्लास्टिक कप्स लिए, जो 3 प्लास्टिक कप्स लिए थे, उनकी बॉटम में आप नेल के जरिए, कील के जरिए सुराख कर लें, और तीनों कप्स को आप ए, बी और सी के साथ लेबल कर दें। आप कप्स को 2/3 जो है वो कॉटन सॉइल के साथ फिल कर दें, यानी 2/3 हिस्सा उस कप के, देखो ना, अगर 3 हिस्से आप करें तो उसमें से 2 हिस्से जो है आप मिट्टी से भर दें। सो 8 वाटरमेलन सीड्स इन ईच कप। आपने देखो 24 वाटरमेलन सीड्स लिए हुए हैं ना, तो 8 बीज जो है वो एक एक कप में आपने जो है वो बीज देने हैं। उसके बाद क्या है कि एड सम नॉर्मल वाटर टू कप ए। पहले कप में आपने नॉर्मल वाटर जो है वो डाला है जिसमें सॉल्ट्स नहीं है, फिर सॉल्टी वाटर बी कप में डाला, और जो वेरी सॉल्टी वाटर है वो आपने सी कप में डाला। एवरीडे आपने ऐड करना है सम मोर वाटर टू ईच कप, लेकिन हर रोज आपने उसी तरह के जो पानी है वो हर कप में डालने हैं, यानी एक कप के अंदर हमेशा आपने हर रोज जो है वो नॉर्मल वाटर ही ऐड करना है, बी में सॉल्टी और सी में वेरी सॉल्टी वाटर, क्योंकि 3 सैंपल्स आपने वाटर के लेकर पहले से रखे हुए। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व द कप्स एवरीडे फॉर 10 days एंड कलेक्ट द डाटा। 10 दिनों तक आपने कप्स को जो है वो कप्स के अंदर पानी ऐड करते रहना है और ऑब्जर्व करते रहना है। उसके बाद आपका जो डाटा होगा उसको आपने इस टेबल के अंदर फिल करना है, day 1 का, day 2 का, day 3 से। How did salt in the habitat change the growth of plants? And why did more plants grow in cup A? आपके जो results होंगे, आप plants की growth को देखेंगे कि जो A cup होगा, इसके अंदर जो plants होंगे वो ज्यादा grow करेंगे B के उससे कम, और C के जो plants हैं उनकी growth बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम पौधे जो हैं वो उगेंगे और उनकी growth भी बहुत ज्यादा affect होगी। उसकी reason क्या है? आप पूछा कि इसकी वजह क्या थी? वजह यह है कि जब बाहर के पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, बाहर के पानी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, बाहर सॉल्ट्स ज्यादा हैं, तो रिजल्ट यह होगा कि पानी अंदर पौधे के अंदर जो है वो कम आएगा, पौधों ने जो रूट्स के जरिए ऑब्जॉर्ब करना होता है वो बहुत कम होगा, और इवन के पौधों से पानी बाहर निकलता है जब बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो पानी पौधों को ना मिलने की वजह से ही बी और कप्स के जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अफेक्ट होगी। उसके बाद बेटे अडॉप्टेशन हैं ऑर्गेनिजम्स की टू लिव इन अ हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट में, डिफरेंट हैबिटेट्स में ऑर्गेनिजम्स कैसे रह सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स बताया कि दे लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, दे डेवलप स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव इन द हैबिटेट्स, कि उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप हो जाती हैं जो कि उन्हें इन हैबिटेट्स में रहने के काबिल बनाती हैं। दी स्पेशल फीचर जो है इनको हम एडॉप्टेशंस कहते हैं, ठीक है। एडॉप्टेशन क्या है? ऐसी फीचर्स
जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब डेवलप हों तो ऑर्गेनिजम्स किसी भी एनवायरमेंट में, किसी भी हैबिटेट में रह सकें। यानी किसी एनवायरमेंट में यूं समझ लें कि रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स को जैसे फीचर्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो फीचर्स एडॉप्टेशन कहलाती हैं। एडॉप्टेशन इज अ चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी और बिहेवियर दैट हेल्प्स टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया ना कि एडॉप्टेशन जो है ये वो चेंज होती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या उसके बिहेवियर में जो उसको किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव करने के काबिल बनाती है। ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट वेल अडॉप्टेड टू देयर हैबिटेट्स मे नॉट सर्वाइव। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी हैबिटेट में रहने के लिए अपने आप को चेंज नहीं करते, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद है एक्वाटिक हैबिटेट्स की बात हो रही है। एक्वाटिक हैबिटेट्स हैं तो इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स में कैसे चेंजेस आएंगी क्योंकि उनको वहां रहने के काबिल बनाती हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन एक्वाटिक हैबिटेट्स हैव सच बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम टू लिव इन वाटर। कहा कि पानी में जो पाए जाने वाले जानवर हैं या पौधे हैं उनके ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उनको पानी में रहने के काबिल बनाते हैं। मसलन स्टेम लाइन बॉडी, उनकी जो बॉडी शेप है वो कैसी है? स्टेम लाइन, स्टेम लाइन बॉडी शेप होती है जैसे फिश की। आप देखते हैं कि आगे से नुकीली होती, आगे से नुकीली पॉइंटेड है और फिर ऐसा ऐसा उसका साइज बढ़ता है, पीछे से फिर उसका साइज तंग हो जाता है। तो इसको ऐसी शेप को कहते हैं स्टेम लाइन बॉडी शेप। ये इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन है फॉर एनिमल्स टू मूव इजीली थ्रू वाटर। पानी के अंदर मूवमेंट जो है वो आसान हो जाती है एनिमल्स के लिए। दूसरी फीचर वेब्ड फीट का होना, कि इनकी जो फीट की जो दूसरा टोज हैं तो उनके दरमियान क्या है? वेब होती है। उंगलियों के दरमियान वेब होती है, जैसे डक्स हैं या सीगल्स हैं, फ्रॉग्स हैं। तो वेब्ड फीट इनके फिर क्या करते हैं? दे वर्क लाइक ओर्स टू हेल्प मूव इन वाटर, पानी में मूव करने के लिए। सर, व्हाट इज नोन एज ओर्स? और बेटे जो कश्ती का चप्पू नहीं होता जिसके जरिए हम कश्ती को चलाते हैं। यस सर, बाद मान या चप्पू जिसे कहते हैं। तो कहा कि ये वेब्ड फीट ओर्स की तरह काम करते हैं कि जैसा ओर्स के जरिए बोट को पानी के अंदर जो है वो चलाया जाता है जिसके जरिए के। और सर हैकेंस किसे कहते हैं? हैकेंस, हाँ जी हैकेंस। ये नंबर 3 में फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक वाटर हैकिंग हायासिंथ बल्कि है बच्चे, हायासिंथ। अभी मैं उधर पहुंचा नहीं हूं, आप जो बात एक्सप्लेन कर रहा हूं उधर की बात सुने ना, पीछे गौर करें। ओर्स की तरह काम करते हैं इनके वेब्ड फीट जो हैं, तो इन जिसकी मदद से कि पानी में तैर सकते हैं। थर्ड फीचर आपको बताएगी फ्लोटिंग प्लांट्स की। ये वाटर हायासिंथ जो है ये फ्लोटिंग प्लांट है, पौधे की किस्म है। इसने डक वीड है, ये वाटर लिली है, ये सारे एक्वाटिक प्लांट्स हैं, पानी में उगने वाले पौधे हैं। फ्लोटिंग वो भी कौन से? फ्लोटिंग जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। दे हैव फ्लोटिंग लीव्स एंड सबमर्ज्ड रूट्स, इनके रूट्स जो हैं वो पानी के अंदर डिप रहती हैं और जो लीव्स इनके वो फ्लोट करते रहते हैं पानी के सरफेस पे। देयर बॉडीज कंटेन एयर स्पेसेस, इनमें एयर स्पेसेस होती हैं। देयर लीव्स हैव वेब्स कवरिंग टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ऑन देम। लीव्स के ऊपर जो वैक्सी कवरिंग होती है इसकी वजह से पानी जो है इनके अंदर ज्यादा एंटर नहीं हो पाता। नेक्स्ट है लैंड हैबिटेट्स। लैंड हैबिटेट्स में देखें कि एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन लैंड हैबिटेट्स आल्सो हैव अडॉप्टेशंस टू एडजस्ट वेल इन देयर सराउंडिंग्स, के जो खुश्की पर पाए जाने वाले पौधे हैं या जानवर हैं इनकी बॉडीज के अंदर भी ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जो कि उनको अपने एनवायरमेंट के अंदर रहने के काबिल बनाती हैं। ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट के अंदर। द आर्कटिक फॉक्स एंड पोलर बियर हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज। ये जो आर्कटिक रीजन्स हैं, ये पोलर रीजन्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? सर्दी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर्स के रीजन्स हैं, ये बहुत ज्यादा कूलिंग की वजह से, कूलिंग की सूरत में ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिर चेंजेस कैसी हैं? दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज।
This thick fur keeps the body of these animals warm in freezing cold. In shadeed sardi jo hai, freezing cold ho, to aise environment ke andar bhi ye organism jo hai wo survive kar sakte hain. Snowy owl and has a thick coat of feathers. Snowy owl ki example di ke uske upar bhi jo hai feathers ki paron ki thick coating hoti hai, bahut zyada par hote hain. जिसकी वजह से वो भी सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट्स आर अडॉप्टेड टू लिव इन स्कॉर्चिंग हीट. स्कॉर्चिंग हीट होती है जलसा देने वाली हीट, जैसे कि पौधे खुश्क हो जाएं, ऐसे हीट पौधों को जला देने वाली, खुश्क कर देने वाली उनके पानी को. तो बताया कि पौधे और जानवर जो डेजर्ट्स के सहराई इलाकों में पाए जाने वाले, वो भी उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अडॉप्टेड हैं टू सर्वाइव देयर. Some desert plants जो हैं, they have tough, thick surfaces of thin, spiny leaves. ठीक है, spiny leaves. उनके thin, spiny leaves to reduce water loss. उनके पत्ते जो हैं, वो बारीक होते हैं और थे कैसे? spiny जैसे कांटे होते हैं, इस तरह के पत्ते होते हैं, नोकीले से, बारीक बारीक. उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और वाटर लॉस कम हो जाता है. Most animals जो हैं, such as आप जैको को देखें, जैको लिजर्ड है और जैक रैबिट है. दे कंजर्व वाटर बाय लिविंग अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे एंड कमिंग आउट एट नाइट. अब वो कैसे वाटर को जो है वो कंजर्व करते हैं कि वो दिन के टाइम अंडरग्राउंड उन्होंने बिले सी बनाई होती हैं, ठीक है, जगह बनी होती है, वहां पे रहते हैं और रात को बाहर आते हैं जब सर्दी, जब गर्मी कम होती है, तो उनकी बॉडी से पानी का लॉस कम होता है. जबड़े क्वेश्चन है किसी का? नो सर. कैमल्स फीट एंड लार्ज टमी आर द अडॉप्टेशंस टू लिव इन डेजर्ट्स. किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं. No, sir. Otherwise, silent. हाँ जी, कैमल्स फीट का बताया, ऊंट के जो पांव हैं ये, और लार्ज स्टॉमिक, स्टॉमिक बड़ा है, ये ऐसी अडॉप्टेशंस हैं जो डेजर्ट्स में रहने के काबिल बनाती हैं इन ऑर्गेनिजम्स को, ये कैमल को. इसके फीट जो होते हैं ना, कैमल के जो फीट हैं ये ब्रॉड होते हैं और लेग्स इसकी जो है वो लॉन्ग होती हैं. तो रेत के अंदर इवन जो इसकी मूवमेंट है, तो इसके पांव ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करते, रेत में धंसते नहीं है. और स्टॉमिक लार्ज होने की सूरत में ये पानी ज्यादा से ज्यादा स्टॉमिक के अंदर फिल कर सकता है. यानी एक दफा इसको जहां से पानी मिलता है तो ये काफी ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है. नेक्स्ट बताया कि बर्ड सॉन्ग, द रोर्स ऑफ लायन, हाउलिंग ऑफ वोल्स एटसा आर द अडॉप्टेशंस ऑफ बिहेवियर. Animals send and receive messages using sound. के ऐसे different habitats में पाए जाने वाले जो organisms हैं, ये एक दूसरे को अपनी location का जो है वो अंदाजा बताते हैं, location एक दूसरे को justify करते हैं. Location को सर ये आप फिर से repeat कर दें. हाँ जी सर, ये आप फिर से समझा दें. अच्छा ठीक है, ये वाला point. तीसरे की बात करें, इसमें आपको बताया गया कि बर्ड सॉन्ग है, रोर्स ऑफ लायंस, हॉलिंग ऑफ वोल्स वगैरह, ये ऐसी अडॉप्टेशंस हैं जो बिहेवियर से रिलेटेड है, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर से रिलेटेड है. क्योंकि ये देखें, रोर्स ऑफ लायन क्या है, ये शेर की आवाजें हैं, हॉलिंग ऑफ वोल्स, वोल्स जो भेड़िया होता है उसकी आवाजें हैं, तो ये बर्ड्स के सॉन्ग्स हैं, तो ये एक दूसरे को कन्वे करते हैं. ये वो आवाजें हैं जो ये एनिमल्स या बर्ड्स एक दूसरे को कन्वे करते हैं. इन आवाजों से इनको पता चल जाता है कि कोई दूसरा एनिमल या बर्ड जो है वो कहाँ पे है, अपनी लोकेशन को दूसरों को बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट बताया कि प्लांट्स टू हैव मेनी अडॉप्टेशन टू हेल्प देम सर्वाइव. पौधों के अंदर भी कई ऐसी अडॉप्टेशन है जो उनको जिंदा रहने के काबिल बनाती हैं. ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट ग्रो वेरी टॉल टू गेट द सनलाइट. ट्रीज जो हैं, रेन फॉरेस्ट कौन से ऐसे जंगलात जहाँ पे बारिशें जो हैं वो
ज्यादा होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है जहाँ पे बारिशें ज्यादा होती हैं, तो बताया कि दे आर वेरी टॉल, वो बहुत लंबे होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को कैप्चर कर सके। ये आपको एनिमल्स शो किए गए हैं जिनकी बात हो रही थी। लैमेलियन का बताया कि कैन चेंज इट्स कलर एंड हैज अ लॉन्ग स्टिकी टिप्ड टंग एंड दिस दिस कलर चेंज कर लेता है अपना। यस, ये कलर अपना चेंज कर सकता है। ओके बेटे, ये चीजें थी जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड थी। आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स की अडॉप्टेशंस। तो आपको मैं टेस्ट के वाले से दोबारा जो है वो गाइड कर दूं कि आपके पहले दो चैप्टर जो है वो सिलेबस में शामिल हैं। जैसे आप सिलेबस देख भी चुके हैं तो बेटे इन दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें। नोट्स में दोबारा ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जिसको नहीं भी पहले मिले तो वो भी। वो आपने कहा था टेस्ट का तरीका, टेस्ट का क्या तरीका बेटे आपने पूछना? सर कैसे टेस्ट लेना है सर? Okay, मैंने टेस्ट गूगल क्लास में कैसे देना है वो मैं आपको गूगल क्लास का ट्यूटोरियल सेंड करने लगा हूं। आप उसकी हेल्प से उसको वॉच करें, सारे ट्यूटोरियल को, आपको पता चल जाएगा। फिर भी किसी को नहीं पता चलता तो वो कॉन्टेक्ट करें। ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर।